हे एवरीवन, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ डीसी के नए शो सुपरमैन एंड लोइस का। अभी तक इसके दो एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं और मेरे को बोलना पड़ेगा कि मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत आगे की चीज है ये। देखो, जब सुपरमैन का ये वाला शो अनाउंस हुआ था तो बहुत सारे लोग टायलर हिकलन को एक बहुत बुरा सुपरमैन बोल रहे थे, लेकिन तब भी मैंने यही बोला था कि टायलर हिकलन का पहले शो आ रहे दो, उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। लेकिन फिर जब सुपरमैन एंड लोइस का एक बेसिक प्लॉट लाइन हमारे सामने आया था और उसमें मैं रिवील हुआ था कि ये शो क्लार्क और लोइस की नॉर्मल लाइफ पे ज्यादा फोकस्ड शो रहने वाला है, तो मुझे काफी ज्यादा डाउट था। मतलब मुझे ये लग रहा था कि यार, मतलब कि सुपरमैन है तो उसके साथ एक्शन सीक्वेंसेस रखो, उसके साथ हैवी विलन्स को लड़वाओ, मतलब वो वाला शो बनाओ ना, ये वाला आप क्यों कर रहे हो। तो जब मतलब मैंने भी ये प्लॉट पढ़ा था तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि CW एक और शो बर्बाद करने जा रहा है, लेकिन फिर ट्रेलर देख के मुझे लगा कि भाई इसको एक चांस देना चाहिए। तो आज मैं शो की स्टोरी के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को डिस्कस करने वाला हूँ, तो बिना कोई ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ मैं अपने ओवरऑल रिव्यू के साथ। सो देर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी इस शो के बारे में, जिनमें से पहली चीज़ है एस्पेक्ट रेशो। इस शो की एस्पेक्ट रेशो नॉर्मल CW शोज की एस्पेक्ट रेशो से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। इस शो की एस्पेक्ट रेशो एक सिनेमेटिक स्टाइल वाली थी। और दूसरी बात जो मैंने बहुत ज़्यादा पसंद की इस शो की, वो थी कलर ग्रेडिंग। कलर ग्रेडिंग इस शो की बाकी CW शोज से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। मतलब बाकी के जो एरोवर्स के शोज हैं उनकी कलर ग्रेडिंग बहुत ज़्यादा ब्राइट है, और अगर आप बैटवुमन की बात करो तो उसकी कलर ग्रेडिंग थोड़ी सी डार्क है, लेकिन क्योंकि भाई वो ज्यादातर डार्क टाइम पे ही फिल्म हुआ है तो उस चीज पे आप उसको ज्यादा कोई कवर नहीं कर सकते। लेकिन इस शो की कलर ग्रेडिंग बिल्कुल मैन ऑफ स्टील स्टाइल से मिलती जुलती है। देन इस शो की सिनेमाटोग्राफी, VFX और CGI बहुत ज्यादा डिफरेंट है बाकी के किसी भी एरोवर्स के शोज, यहाँ पर किसी भी CW शोज से बहुत ज्यादा डिफरेंट है ये सारी चीजें इस शो की। और भाई मैं तो दोनों एपिसोड देखते हुए सोच रहा था कि भाई इन लोगों के क्या एक एपिसोड का बजट 10 से 15 मिलियन है, क्योंकि भाई VFX और एक्शन सीक्वेंसेस इन हाँ के जबरदस्त है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई मूवी देख रहा हूँ, टीवी शो तो है ही नहीं। इसका जो मेन रीजन लोग मान रहे हैं इंटरनेट पे वो ये है कि शो को प्रोड्यूस किया है HBO मैक्स ने, और बहुत सारे लोग इस बात को यकीन भी कर रहे हैं। लेकिन यार मुझे कुछ ऐसी रिपोर्ट्स मिली हैं कि HBO मैक्स इस शो में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि ये CW की ही तरफ से एक नई अप्रोच थी अपने टीवी शोज के लिए। इस शो में बहुत सारे इमोशनल मोमेंट्स भी थे, लेकिन जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट था वो था मार्था केंट की डेथ वाला सीन। मतलब उसमें जिस तरह क्लार्क अपनी माँ के पास बैठा होता है ना, अपनी माँ की लाश के पास, और लिटरली रो रहा होता है, उस सीन को देख के मेरे आंखों से भी आंसू निकल आए थे। तो यार वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इमोशनल सीन था। तो इन सारे एलिमेंट्स पे तो मैं इस शो के पूरे नंबर दूंगा, लेकिन अब बात करते हैं इस शो की स्टोरी की। तो स्टार्ट में ही हमें शो के देखने को मिलता है सुपरमैन अपने फर्स्ट सूट के साथ, और ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और ऊपर से ये पूरा जो सीन था ये कॉमिक से उठाया गया था, सो समहाउ इट फेल्ट कंप्लीट, इट फेल्ट लाइक अ होलसम मोमेंट। और साथ में एक बात जो मुझे शो की बहुत ज्यादा अच्छी लगी वो ये थी कि जिस तरह से क्लार्क केंट की लाइफ को रिप्रेजेंट किया गया ना हमारे सामने, वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया। मतलब कि जो लास्ट हमने सुपरमैन का शो देखा था जिसमें क्लार्क केंट की लाइफ पे फोकस किया गया था बहुत ज्यादा, वो था स्मॉलविल। स्मॉलविल खत्म हुआ था 2011 में, और 2011 में स्मॉलविल के खत्म होने के बाद लोगों ने अज्यूम किया था कि अब हमें सुपरमैन का कैरेक्टर टीवी पे दोबारा नहीं दिखने वाला। लेकिन ऑलमोस्ट 10 साल के बाद सुपरमैन का टेलीविजन पर रिटर्न हुआ है, और ये तो हो गई ना टेलीविजन की बात। अगर आप वैसे देखो कि हमें लास्ट सुपरमैन कॉन्टेंट कब मिला था इन एनी फॉर्म, टीवी मूवी या किसी भी फॉर्म में, तो वो लास्ट था 2013 में जैक स्नाइडर की मैन ऑफ स्टील की शक्ल में। तो यार 7 साल के बाद हमें सुपरमैन रिलेटेड कंटेंट देखने को मिल रहा है, तो मेरा ख्याल है यही एक बहुत बड़ी बात है और हम सब फैंस को इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं एक मोमेंट लेना चाहूंगा जिसमें कि मैं सारे एक्टर्स की एक्टिंग को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। मतलब लोइस लेन की एक्ट्रेस वो भी बहुत अच्छी है, जोनाथन और जॉर्डन कैंट के जो एक्टर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, पूरी शो की कास्ट बहुत ज्यादा अमेजिंग है, और भाई टायलर हिकलन का सुपरमैन बहुत ज्यादा अच्छा है। और मैंने नोटिस किया कि इस शो के आने के बाद टायलर हिकलन का सुपरमैन और हेनरी कैवल का सुपरमैन इक्वली अप्रिशिएट किया जा रहे हैं। मतलब लोगों को दरमियान में अब कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इन दोनों सुपरमैन के वर्जन को लेकर, बल्कि लोग दोनों को उनके नाइस एलिमेंट्स के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं। खैर, इस सीरीज में हमें फाइनली जोनाथन और जॉर्डन केंट भी देखने को मिल गए, जिनको ओरिजिनली टीज किया गया था क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ के एंड में। तो अभी तक हमें जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है दो एपिसोड देख के, उसके अकॉर्डिंग तो यही है कि जोनाथन केंट बिल्कुल एक नॉर्मल बंदा है, लेकिन जो उसका भाई है जॉर्डन
हेलेन केंट, उसके पास पावर्स भी हैं और उसके कुछ मेंटल इश्यूज भी हैं। एक पूरा सीक्वेंस था एपिसोड 2 में जिसमें क्लार्क जॉर्डन को फोर्ट्रेस लेके जाता है और वहां पे क्रिप्टोन की हिस्ट्री के बारे में बताता, प्लस जोरेल की AI जॉर्डन को कुछ टेस्ट करती है और बाद में क्लार्क को ये ऑब्जर्वेशन देती है अपनी कि जॉर्डन में एबिलिटीज तो हैं लेकिन वो ज्यादा एडवांस्ड नहीं है। मतलब कि जॉर्डन एक सुपर हीरो तो बन सकता है लेकिन वो सुपरमैन के लेवल का सुपर हीरो नहीं बन सकता। इस बात को सुनने के बाद जॉर्डन बहुत गुस्सा करता है एंड यू नो व्हाट, जॉर्डन इज अ डिक। मुझे नहीं पता आप लोग क्या समझते हो जॉर्डन के कैरेक्टर को लेकर। कुछ लोग कहेंगे कि यार उसके मेंटल इश्यूज हैं, ओके आई गेट इट मेंटल इश्यूज हैं, लेकिन यार फिर भी जॉर्डन बहुत बड़ा डिक है। जैसे कि अगर आप इसी सीन की एग्जांपल ले लो जिसमें क्लार्क अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है ट्विंस के सामने, तो जॉर्डन बहुत गुस्से में रिएक्ट कर रहा था जबकि जोनाथन बहुत काम पर्सनैलिटी का, और वो जॉर्डन को समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन देयर इज समथिंग नॉट राइट अबाउट जॉर्डन। मे बी वो आगे चल के एक थोड़ा सा एंटी हीरो टाइप कैरेक्टर बन सकता है। चलो अब लोइस लेन की भी थोड़ी बात करते हैं। तो हमने इस एपिसोड में देखा कि डेली प्लैनेट का CEO चेंज हो चुका है और नया CEO है मॉर्गन एज, और मॉर्गन एज के पास्ट को थोड़ा वियर्डली दिखाया गया है। मतलब मॉर्गन एज पे हैरेसमेंट और करप्शन जैसे एलिगेशंस हैं और लोइस लेन अपेरेंटली एज को एक्सपोज करना चाहती है। एक टाइम पे एज लोइस का लिखा हुआ आर्टिकल टेम्पर करता है तो लोइस सर्टन हो जाती है कि उसने इस बंदे को एक्सपोज भी करना है और साथ में लोइस डेली प्लैनेट को क्विट भी कर देती है। ऑल्सो इस पूरी स्टोरी में जनरल लेन जो कि लोइस लेन के फादर है उनका बहुत ज्यादा रोल दिखाया गया है। अभी तक हमने देखा कि जनरल लेन सुपरमैन की थ्रू आउट एवरीथिंग हेल्प करता है। अब देखो जनरल लेन सुपरमैन का तो बहुत ज्यादा सपोर्टर और उसकी हर मामले में सपोर्ट करता है, बट क्लार्क केंट के डिसीजंस को लेके हमेशा डाउट में रहता है। इवन के क्लार्क जब ये बात लोइस से डिस्कस करता है कि किस तरह जनरल लेन डबल मीनिंग हो जाता है क्लार्क के डिसीजंस पे, तो लोइस भी कहती है कि अगर उसने ये बात की है तो इसका मतलब हम सही फैसला कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात करते हैं स्ट्रेंजर के बारे में। देखो स्ट्रेंजर ने अभी तक सुपरमैन को काफी ज्यादा चैलेंज किया है दोनों एपिसोड्स में। वो सुपरमैन की पूरी हिस्ट्री जानता है और सुपरमैन को इस दुनिया के लिए एक खतरा मानता है, और लास्ट में पता चलता है कि ये स्ट्रेंजर असल में लूथर है और ये एक्चुअली किसी और अर्थ से बिलोंग करता था। और लूथर के सुपरमैन को एक थ्रेट समझने का रीजन है कि लूथर के वर्ल्ड का जो सुपरमैन था वो ईवल था और उसने पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बट सिर्फ लूथर बच गया था और एंड टाइम पे वो इस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गया। तो इस वजह से लूथर समझता है कि इस अर्थ के सुपरमैन को ईवल बनने से पहले ही मार देना चाहिए। लूथर से रिलेटेड बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि यार लूथर के अर्थ पे जो सुपरमैन था क्या वो शुरू से ही ईवल था क्योंकि उसका ब्लैक सूट दिखाया गया है। तो मेरा जो बेस्ट गेस है वो ये है कि वो इनजस्टिस स्टोरीलाइन वाला सुपरमैन हो सकता है कि मे बी लोइस लेन मर गई और उसके बाद सुपरमैन ईवल बन गया, वो उस टाइप का हो सकता है। और लूथर के बारे में मुझे लगता है कि शायद वो लेक्स लूथर ना हो बल्कि वो अलेक्जेंडर लूथर हो। मतलब इस बारे में अभी मुझे कोई रिपोर्ट नहीं मिली लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कोई लेक्स लूथर का वर्जन नहीं होगा बल्कि ये कोई अलग लूथर होगा। अगर तो भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा सुपरमैन और लोइस के दो एपिसोड। मतलब मैं तो बहुत ज्यादा माइंड ब्लोन था कि किस तरह से उन्होंने एक टीवी शो को इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि वो देखने में मूवी स्टाइल का लगता है। मतलब आपको यही लगता है कि मूवी चल रही है। और जैसा मैं बोला कि सुपरमैन का जो एक होम साइड वर्जन दिखाया गया ना कि सुपरमैन से हटके क्लार्क केंट पे ज्यादा फोकस किया गया, वो मुझे काफी अच्छी चीज लगी। मतलब जिस बात को लेके फैंस शुरू में टेंशन में थे वही बात फैंस को पसंद आ रही है। सो आई गेस दिस इज द एंड फॉर दिस वीडियो। आपको क्या लगता है, आपने एंजॉय किया ये CW की नई अप्रोच, कैसी लग रही है आपको? बाकी अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा तो यार वीडियो को लाइक कर दो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना क्योंकि वहां पे मैं लेटेस्ट अपडेट्स देता रहता होता हूँ। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।